बंधुओं, आज का प्रश्न है, देवता जो सोमरस पीते हैं क्या वो शराब है? अक्सर शराब के समर्थक ये कहते सुने गए हैं कि देवता भी तो शराब पीते थे। सोमरस क्या था? शराब ही तो थी। प्राचीन वैदिक काल में भी सोमरस के रूप में शराब का प्रचलन था, या शराब जैसी किसी नशीली वस्तु का उपयोग करते थे देवता। आइए जानते हैं कि क्या है सोमरस। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमरस मदिरा की तरह कोई मादक पदार्थ नहीं है। हमारे वेदों में सोमरस का विस्तृत विवरण मिलता है, विशेष रूप से ऋग्वेद में तो कई ऋचाएं विस्तार से सोमरस बनाने और पीने की विधि का वर्णन करती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में मदिरा के लिए मद्यपान शब्द का उपयोग हुआ है, जिसमें मद का अर्थ अहंकार या नशे से जुड़ा है। इससे ठीक अलग सोमरस के लिए सोमपान शब्द का उपयोग हुआ है, जहां सोम का अर्थ शीतल अमृत बताया गया है। मदिरा के निर्माण में जहां अन्न या फलों को कई दिनों तक सड़ाया जाता है, वहीं सोमरस को बनाने के लिए सोम नाम के पौधे को पीसने छानने के बाद दूध या दही मिलाकर लेने का वर्णन मिलता है। इसमें स्वादानुसार शहद या घी मिलाने का भी वर्णन मिलता है। इससे प्रमाणित होता है कि सोमरस मदिरा किसी भी स्थिति में नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर सोमरस बनाने में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख पदार्थ यानी सोम का पौधा देखने में होता कैसा है और कहाँ पाया जाता है। मान्यता है कि सोम का पौधा पहाड़ियों पर पाया जाता है। राजस्थान के अबुर्द, उड़ीसा के हिमाचल, विंध्याचल और मलय पर्वतों पर इसकी लताएं पाए जाने का उल्लेख मिलता है। कई विद्वान मानते हैं कि अफगानिस्तान में आज भी ये पौधा पाया जाता है, जिसमें पत्तियां नहीं होती और ये बादामी रंग का होता है। ये पौधा अति दुर्लभ है, क्योंकि इसकी पहचान करने में सक्षम प्रजाति ने इसे सबसे छुपा कर रखा था। काल के साथ सोम के पौधे को पहचानने वाले अपनी गति को प्राप्त होते गए और इसकी पहचान भी मुश्किल हो गई। कहा जाता है कि सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों ने बहुत लंबे समय तक ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें सोमरस का अधिकारी बनाया, जो शक्तिवर्धक, आयुवर्धक और चीर युवा रखने में सक्षम था। वराह पुराण के अनुसार सोमरस प्राप्ति का प्रमाण सोमरस का पान था। ये केवल देवताओं को दिया गया वरदान था। जो भी व्यक्ति देवत्व की प्राप्ति कर लेता था, उसे यज्ञ के बाद सोमरस का पान करने का अधिकार मिल जाता था। सोमरस का उपयोग देवताओं के लिए विशेष रूप से किया जाता है, इसीलिए ये देवताओं का प्रमुख पान है। इसीलिए यज्ञ के आयोजन में सोमरस का उपयोग विशेष रूप से किया जाता था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि यज्ञ में सोमरस की आहुति देते थे और फिर प्रसाद रूप में इसे ग्रहण करते थे। ऋग्वेद के अनुसार सोमरस के गुण संजीवनी बूटी की तरह हैं। ये बलवर्धक पेय है, जो व्यक्ति को चीर युवा रखता है। इसे पीने वाला अपराजय हो जाता है। ऋग्वेद में इसे बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट पेय बताया गया है। साथ ही गुणों की तीव्रता के कारण इसे कम मात्रा में लिए जाने का भी विधान ज्ञात होता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि असल में सोमरस कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, वो वास्तव में हमारे शरीर के अंदर ही पाया जाने वाला तत्व है, जो अखंड साधना के बाद निर्मल हुए शरीर में उत्पन्न होता है। इसकी प्राप्ति साधना के उच्च स्तर पर होती है, इसीलिए केवल महान ऋषियों को ही इसकी प्राप्ति होती है। माना जा सकता है कि सोमरस भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित एक दुर्लभ पेय है, जिसमें शरीर को महाबलशाली बनाने के गुण हैं। सोम नामक दुर्लभ पौधे की सहज प्राप्ति संभव न होने से ही संभवतः इसे देवताओं के लिए सीमित किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।